what is the effect of social media on our lives, good or bad? Please explain. सो ये आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हाईलाइट करी है तनु जी कि सोशल मीडिया का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है. इसको अगर हमें बहुत सिंपली समझना है तो हमें आज अपनी जो स्टेट ऑफ माइंड जो सारे दिन में रहती है वो हमें चेक करना है. उसके अलावा हम जो सोते हैं रात में भी जो हमारा मन रेस्ट करता है तो हम कितना रिलैक्स्ड फील करते हैं, ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है. क्यों ये अपने आप से पूछना है? क्योंकि सोशल मीडिया या कोई भी ऐसी स्क्रीन टाइम जो हम सारे दिन में स्पेंड करते हैं उसमें होता ये है कि हर कुछ सेकंड्स में स्क्रीन चेंज हो रही है. अब ये जो स्क्रीन चेंज होती है, जैसे जो विजुअल्स हैं वो विजुअल्स चेंज होते हैं, उन विजुअल्स के चेंज के साथ साथ हमारे मन की स्पीड भी चेंज हो रही है, वो भी उसके साथ जैसे इंटेंगल हो गई है. ओह माय गॉड. सो समवेयर व्हाट इज हैपनिंग इज जितना स्पीड से वो स्क्रीन्स चेंज हो रही हैं, वो विजुअल्स चेंज हो रही हैं, हमारा माइंड भी उससे जैसे यूज टू हो जाता है उस स्पीड से. और फिर जब हम रिलैक्स भी करना चाहते हैं, जैसे हम रात को सोने भी जाते हैं तो ऐसे लगता है अच्छा नींद नहीं आ रही, फिर भी थॉट्स चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि मन को स्पीड की आदत हो गई है. सो समवेयर इफ आई एम एबल टू बैलेंस अ बिट, यू नो आई एम नॉट सेइंग वी डोंट यूज इट, ऑफकोर्स वी अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स एंड वी यूज इट, बट जितना हम एक बैलेंस्ड वे में यूज करेंगे उतना हमारे मन पे उसका इम्पैक्ट भी जो है वो बैलेंस्ड रहेगा और हमारी जो सारे दिन में लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत रिलैक्स्ड काम रहेगा. ओके ओके. सो जैसे एक एग्जाम्पल है, कई लोग जैसे कहते हैं कि हमें बहुत डर लगता है. That fear. And I've seen this in even small children these days. जैसे बच्चों को देखें हम तो उनको वो बोलते हैं हमारे अंदर बहुत एक डर है. यू नो अभी जैसे कोरोना टाइम्स चल रहा था, सो पीपल आई थिंक एवरीबडी वाज सो स्केर्ड. तो वो डर का कारण, और कितना भी आप उनको समझा लो बट यू नो दैट फियर विल नॉट गो, और समबडी सेज समथिंग एल्स, आई मीन वट एवर इज गोइंग ऑन विद इन, तो इट डज सोशल मीडिया का इफेक्ट उसके ऊपर डेफिनेटली. सो जैसे हम किसी को कहते हैं कि यू नो यू डोंट हैव टू फियर, या फिर आप रिलैक्स रहें, कुछ यू नो आपको डरने की बात नहीं है, हम कहीं ना कहीं उनके कॉन्शियस माइंड को एड्रेस कर रहे हैं. कॉन्शियस माइंड कुछ हद तक यू नो हमारे बिहेवियर्स और हमारे स्टेट ऑफ माइंड को इन्फ्लुएंस ज़रूर ज़रूर करता है, लेकिन इसको समझने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी समझना बहुत ज़रूरी है. जो भी रिएक्शन हमारा सिचुएशन में आता है, सपोज़ कोई बात हो जाती है उस सिचुएशन पे, जो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आता है. दिस सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ परमानेंट मेमोरी. अब ये परमानेंट मेमोरी में जो भी हम देख रहे हैं सारा दिन, जो भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उसको देखते हुए सुनते हुए जो फीलिंग्स को हम अनुभव कर रहे हैं, वो आधार है हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग का. करेक्ट. अब सोशल मीडिया पर या टेलीविजन में या न्यूज़ में यदि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसी को महसूस कर रहे हैं, और फिर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव हो, ये थोड़ा सा मुश्किल है. आप नेगेटिव देखोगे तो वो सारा अंदर जो जा रहा है, एज वी नो दैट वॉट एवर गोज इन साइड द इंफॉर्मेशन वी टेक इन साइड थॉट्स वैसे ही चलेंगे. एब्सोल्युटली. तो अगर हम ऐसी चीज़ बार बार देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें सिर्फ नेगेटिव है, तो फिर वो डेफिनेटली थॉट्स वैसे चलेंगे ना. जी, जो भी हम देख रहे हैं, जैसे जो भी सीन्स आ रहे हैं, यू नो इमेज या विजुअलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड. नाउ इफ यू आर लुकिंग एट समथिंग नेगेटिव, जैसे यू नो इट्स लाइक अ सीड, जो भी यू नो फल का सीड आप बोते हैं, जो भी आप बोएंगे वही फल आएगा. तो जितना आप पॉजिटिविटी अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेट्स से यू वांट टू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ हैप्पीनेस, यू वांट टू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ लव, यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, बट व्हाट यू आर सीइंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी ऑपोजिट ऑफ दैट. जैसे आपने कहा कि अगर वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है तो एक्सपेक्ट भी फिर मुझे वही करना है, क्योंकि जो बोया वही फल फिर उस पेड़ में उगेगा भी. तो कितना ख्याल रखना है ना, पूरा दिन में हम क्या देखते हैं. आई अंडरस्टैंड न्यूज इज इम्पोर्टेंट, यू नीड टू बी अपडेटेड, बट देन कीप इट टू अ लिमिट ना. पूरा दिन वो चलता रहे और वो भी नेगेटिव, तो वो कोई फायदा नहीं होने वाला. ऑल्सो ऋतु जी, जैसे आपने बात की कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की,
सो आई जितनी मुझे ज्ञान है इस बात का कि सबकॉन्शियस इज़ वेरी वेरी दैट एज यू सेड इट्स अ लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमारी यू नो परमानेंट मेमोरी है. तो रात को जब हम सोते हैं कितना इम्पोर्टेंट है वो आप उसकी इम्पोर्टेंस बताइए कि रात को जो लास्ट थॉट्स हमारे होंगे वो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं. जी बिल्कुल, जैसे हम जब सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसको हम अवचेतन मन भी कहते हैं वो सारी रात जगा रहता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे हम सारे दिन पे यू नो कंप्यूटर पे कुछ काम करते हैं, लैपटॉप पे हमने कुछ फाइल्स फोल्डर्स सेव करे हैं, हम कई बार ऐसे करते हैं कि अच्छा उसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं, बहुत सारे फाइल्स फोल्डर्स डेस्कटॉप पर आ जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं उनको सॉर्ट करते हैं और उनको डी ड्राइव में फोल्डर सही बनाकर उनको डालते हैं. तो उसी तरह से सारे दिन का हमारा जो भी एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं रात को सबकॉन्शियस उनको सारा क्लीनिंग अप करता है, उनको सॉर्ट करता है. But does it do on its own? So it's a process where the mind automatically does it. You know, whatever images have been captured through the day, then what it does is, you know, in the form of dreams, in the form of thoughts that we get, all of this, somewhere our subconscious mind is at work. And like you said, जो thoughts हम लेके सोते हैं वो thoughts पर subconscious conscious होता है लेकिन subconscious उस पर सारी रात काम करता है. And then you know the programming is very very powerful. जो भी हम सोच कर सोते हैं, suppose हम बहुत calm relaxed you know कोई music सुनकर या meditation करके या ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो आपको comfort देती है, जो आपको relax feel कराती है, जब आप ये करके सोएंगे the first benefit is you will always get good sleep. And the second benefit is you are automatically programming your subconscious mind for those kind of experiences in life. That's so important. कभी कभी हम कहते हैं रात को नींद मतलब इतने घंटे सो लिए फिर भी हम फ्रेश नहीं फील करते हैं. क्या उसका यही वन ऑफ द रीजंस? Absolutely, you know, these days we see so many youngsters, you know, even late night they are on mobile phones. There's so many things. So there could be some websites, there could be interactions with the friends. Sometimes what happens is you're interacting and while interacting, कुछ ऐसी बात उन्होंने कह दी जो आपको comfortable नहीं feel कराई. And then when we are going to bed with those kind of thoughts, कहीं ना कहीं sleep is getting disturbed. Correct. And then, you know, when we wake up in the morning, of course, we don't feel energized because we've not had a good sleep. Kyun? Kyunki subconscious kaise thoughts pe kaam kar raha tha. Yes. And then the next day, of course, starts a little lazy. Obviously, because raat ko jo last thought tha, I think morning mein that is the first thought. Absolutely. Before going to bed, you know, that's the most beautiful time we can program our subconscious mind. So, jo bhi hamare saath viewers jude hain, hum unse यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ दिनों तक मे बी नेक्स्ट 7 days मे बी नेक्स्ट 11 days आप एक प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें. वो ये कि सोने से एटलीस्ट 1 या 1.5 घंटा पहले आप कोई भी यू नो मोबाइल या टेलीविजन या इन सब चीज़ों को अवॉइड करके कोई ऐसी चीज़ को पिकअप करें जो आपको बहुत अच्छा फील कराती है एंड यू विल सी हाउ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस आर स्लोली चेंजिंग. Why? Because life's experiences actually happen through the kind of programming we are doing to our subconscious mind. Wow, beautiful. So I think if we want to change the way we are thinking and if we want to finish all our negativities, whatever is going on inside, I think we need to work on ourselves. हमें अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा तो काम करना पड़ेगा. तो ये जो आदतें हमने बनाई हुई हैं मुझे लगता है ये कुछ कुछ आदतों को अगर हम चेक करेंगे कि ठीक है जैसे आपने कहा कि रात को सोने से पहले जितना हो सके मोबाइल से दूर रहेंगे, टीवी से दूर रहेंगे, मतलब जितना भी अगर अच्छा भी लग रहा है, एक आदत पड़ गई है ना टीवी देखते देखते सोना है या मोबाइल देखते देखते, लेकिन अगर इस चीज़ को समझा जाए कि कितना डीप ये हमें नुकसान कर रहा है और उसके ऊपर हम वर्क करें तो इट विल बी सो ब्यूटिफुल. तो आई थिंक थोड़े दिन तक जैसे आपने कहा Please, we can do that. Definitely, all of us can try that, even for 7 days, and then just see. You'll need less hours of sleep, and you'll be fresh. But I think you know, ये वाला topic ऐसा है रितु जी. इस पे I would like to really ask you more questions on this, and I'm sure there are many youngsters, many people who would want to know more about this. I think we'll go ahead with this in the next part. Absolutely. But for now, thank you so much. Thank you so much. So, आज हमने social media पे बहुत अच्छी अच्छी बातें जानी ऋतु जी से, किस तरह से ये हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट करता है और इसके बारे में वी विल टॉक इन लेंथ इन आर नेक्स्ट एपिसोड.
आप अपने सवाल स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं. तब तक के लिए टिल देन लेट्स कनेक्ट विद आवर शो यूथ कनेक्ट. नमस्कार. ओम शांति.